लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती हैं या लड़के? क्यों? ऑफ कोर्स लड़के, लड़कियां। अभी मैं आपका मुंह धुलवाऊं ना, अभी मेरे गोटे की तरह आपका मुंह निकला है जब मैं मेकअप आपका उतरवाऊं। हुकुम मेरे आका। साले डरा रही है, देख रहे हो? साले गांड मान ले मेरी। मंटी भाई लूट ली। क्या करें, इस पर केस भी लगा सकते हैं। 370 रुपए से हट गई है। अबे क्या करा इसके साथ? ये तो आपका हुक्म था मेरे आका। अजी मैं ना वहाँ कैरी पे जा रही हूँ बैठने, तुम यही रुक जाओ। मैं भी वही बैठूंगा। वहाँ क्या मैं ना भूख खाओगे बैठ के? रुको जरा, तू जा। कुछ कर रहा, अबे मजा नहीं आ रहा, धक्के मार। अभी मजा आएगा ना। अरे मेरा आदमी सामने खड़ा है, कैसे मारूं धक्के? अबे जल्दी कुछ कर। रुक, कुछ करती हूँ। पत्थर मार दिए सारी, अभी कुछ नहीं बच रही है, जो पत्थर मार दिए मेरे हैं। गेम खेलते हैं। गेम? कैसा गेम? आइसक्रीम चूसो और चुसाओ। मतलब? मतलब पहले हम तुमको चूसेंगे, उसके बाद हम तुमको आइसक्रीम चुसाएंगे। हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूँ, आओ। A few moments later. आइसक्रीम तो तुम दिखाए नहीं। पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, फिर तुमको आइसक्रीम जैसा बर्फ का गोला देंगे। तो बस अपनी आंखें बंद करो। अब धीरे धीरे नीचे आओ। क्या कर रहे हो, हमको कछु समझ नहीं आ रहा है। तो बस धीरे धीरे नीचे आओ, और हाँ मुंह बड़ा खोलना। ये कैसा गोला है, काला काला बाल लगता है। झूठिया बनाया तुम। तेरे टेस्ट का क्या रिजल्ट आया? प्लीज यार, एक बात को पकड़ के इतने टांग मत खींच। इट जस्ट हैपेंड वंस कि मैं पिल्स लेना भूल गई और टेस्ट कराने पड़े। बट तू कॉन्डम्स क्यों नहीं यूज करती? ना यार, वो फील नहीं आता, आर्टिफिशियल सा लगता है। और अगर रबड़ी यूज करना हो तो डिल्डो में क्या प्रॉब्लम है? तेरे मजे है यार, सब अपने हिसाब से। या तो साला ब्लो जॉब के भी बांधते हैं। यार ये अभी भी बाथरूम से कपड़े पहन के नहीं आती। बाथरूम बहुत छोटा है, उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। टॉवल तो है 2 इंच का होता है, ऊपर नीचे कवर नहीं होता। तू समझा? हाँ
lame of an excuse. I think. हमारा हिसाब कर दो आप. अरे आंटी क्या हुआ? तो चल यहाँ से, वरना जो तेरे को आंखों से प्रेग्नेंट कर देंगे. अरे तुम जल्दी लाओ, मैं सपोर्ट दे दूँ तुम्हें. देवर जी के कमरे में, और अभी तो उनका ब्याह भी नहीं हुआ है. समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जब अरे आ गई तू, कितना लेट कर दिया तूने आज. सॉरी मैडम, आज जरा लेट हो गया. नहीं कोई बात नहीं, पहले तू किचन का सारा काम निपटा दे और फिर बाबा का भी क्लीन अप कर देना. जी, मैं निकल रही हूँ. जी मैम. A few moments later. चलिए कमलेश बाबू, आपका इलाज करते हैं आज. मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इतना सुकून. एक और बात, तुम उनके सामने गालियाँ मत दो और मेरी मॉम को माल मत बोलो. मगर वो माल तो है, एकदम 162, पूरी सविता भाभी है. बोले तो साक्षात सविता भाभी. और अगर वो तुम्हारी मॉम ना होती तो नक्की में भाभी के साथ सांप सीढ़ी खेल रहा होता. लेकिन नहीं खेलूंगा. ओके. येड़ा नहीं हूँ. थैंक यू. अबे भाई, हिंदी और इंग्लिश में कितना फर्क आ गया है ना. लोग अगर इंग्लिश बोलते हैं तो अपने आप को बड़ा क्लासी और जेंटलमैन समझते हैं, हिंदी बोलने में उनको बेइज्जती लगती है. अब जैसे अपनी लोगों की बात ले लो, अब जैसे हम तुमको इंग्लिश में एज होल बोल दे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा. अब हिंदी में बोल दे कि तुम गाड़ के छेद जैसे दिखते हो तो तुम बुरा लग जाएगा, झाड़ी समूह बन जाएगा. वही वही वही, अगर वही इंग्लिश में अगर हम बोल दे मदरफकर तो कितना क्लासी लगता है. अब यही बोलो कि मदरचोद तो बुरा लगता है ना भाई. हाँ भाई, अब जैसे ये, अब एक बात और ले लो, अब जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी हो, हमारी गर्लफ्रेंड बैठी हो, अब हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बोल दे इंग्लिश में आई वांट टू फक यू बेबी, तो उसको कितना अच्छा लगेगा. मतलब बुरा तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगा. वैसा ही होता ही है ना. अब यही बोल दे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कि हम पहनना चाहते हैं तो तुम्हें बुरा लग सकता है शायद. तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है ना. वो नहीं, हमारी गर्लफ्रेंड तो छिनार है, वो तो उसकी बात ना करो. वही अगर इंग्लिश में हम तुम्हारे पापा को कह दें कि आपका लड़का मैस्टर्बेशन करता है तो उनको झांट समझ में आएगा नहीं. अब यही बोल के आया हूँ कि मुठ मारता है आपका लड़का, तो तुरंत समझ गए आ ही रहे होंगे. बहुत सॉरी की मादर चुकी. अबे भाई, भाई एक बात बताओ. हाँ भाई पूछो. कि जैसे मैं मास्टरबेशन करूं और मेरे कोई कमजोरी भी ना आए, ऐसा कोई उपाय बताओ भाई. मेरा हिला दिया करो. All my friends are toxic, all ambition is so rude and always negative. I need